नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद खालिद सिद्दीकी है। आप देख रहे हैं यू न्यूज। यू न्यूज हमेशा आपको छोटी छोटी बड़ी खबर से हमेशा अपडेट कराता है। तो इसी बीच आज हम पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 28 में, जहां पर सलीम चौधरी जी को वार्ड वासियों का प्यार मिला है। उन्होंने उन्हें जिताकर भेजा है। तो उनके जो विकास कार्य थे, जो वादे किए थे सलीम चौधरी ने, तो उस डायरेक्टली बात करके उनसे पूछते हैं कि किस तरह का विकास करना चाहेंगे वे क्षेत्रवासियों के लिए। सलीम चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सलीम चौधरी जी, आपको जनता का प्यार मिला है, आप जीतकर घर आए हैं, वार्डवासियों ने जो आपको प्यार दिया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद क्षेत्र की सारी जनता का, सारे धर्म जाति सारे सर्व समाज का धन्यवाद जी। उन सब के प्रयासों से जीत मिली है जी। जैसे कि आप चुनाव में आपने वादे किए थे विकास को लेकर, तो किस तरह का विकास करना चाहेंगे आप? क्षेत्र में हर तरह से विकास होगा जी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नाले रास्ते खड़ंजे हो, खेल कूद का हो बच्चों के लिए, सब प्रयास पूरी तरह किए जाएंगे जी। और सब यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो नौजवान है हमारे, ठीक है, उनके लिए आप शिक्षा का, खेल कूद का विकास करना चाहेंगे, ठीक है, वृद्धा पेंशन वगैरह का इस तरह का? हाँ जी, वृद्धा पेंशन और जितनी भी गवर्नमेंट। अच्छा सलीम भाई, आपके क्षेत्र में दो गांव पड़ते हैं, एक पुरबालियान एक जीवना, वहाँ पर दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, किसी कारण उनकी डेथ हो गई है, तो उनके लिए क्या विचार है आपके? जी, ये दो बहुत ही उभरते हुए नेता थे हमारे क्षेत्र के दोनों, और बहुत दुख है इनकी मौत पे। गुफरान चौधरी मेरे सगे रिश्तेदार थे और बालियान साहब भी मेरे बहुत ही नज़दीकी थे। उन्हीं लोग, उन्होंने मुझे जीवना में चुनाव लड़ाया और जो बहुमत मुझे जीवना से मिला वो उन्हीं की देन है जी, श्रद्धांजलि है उन्हें। कोरोना काल को लेते हुए जो गाइडलाइंस आ रही है, उस गाइडलाइंस के चलते आप जो अपने क्षेत्र के वासियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं तो क्षेत्र की जनता से यही अपील करूँगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनका पालन करें, ये महामारी है इससे बचे। और रमज़ान माह का महीना चल रहा है, एक हफ्ते बाद ईद का त्यौहार है, तो किस तरह का संदेश है? जी, सभी भाइयों को ईद की अग्रिम मुबारकबाद जी, और मैं तो चाहूँगा ये ईद कोरोना ख़त्म हो जाए, जब तक बड़ी खुशियों से मने और बड़े सभी के दर। सलीम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 28 से, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, विचार बहुत अच्छे हैं इनकी। इनका कहना है कि अपने वार्ड के अंदर जो 28 वार्ड पड़ता है इनका, जहां से चुनाव जीत कर आए हैं, इनका कहना है कि मैं अपने जितना भी मेरे में विकास होगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपका खेल कूद का हो, नौजवान के लिए वृद्धा पेंशन, जितना भी कुछ हो, वे हर वर्ग से विकास अपने क्षेत्र में लाएंगे। साथ ही इन्होंने रमज़ान माह के बारे में बताया, कोरोना काल के बारे में बताया। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे हमारा चैनल यू न्यूज़, खालिद सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर।